शामली में धरना था, किस बात को लेकर था और क्या मांगी आप मानी गई? शामली मिल है बकाया किसानों, गन्ना किसानों का बकाया जो शामली मिल पे था उसके लिए धरना था और आज काफ़ी बड़ा धरना रहा, काफ़ी लोग इसमें आए और हमारी सारी मांगे तो नहीं मानी गई लेकिन आंशिक मांग मान ली गई और आगे के लिए हमने चेतावनी दे दी। पहली मांग तो ये होगी जो सबसे बड़ा पेमेंट होने में सबसे बड़ी उलझन है, वो उलझन है कि स्टॉक, क्योंकि मिल मालिक स्टॉक को खा रहे हैं तो स्टॉक के लिए, स्टॉक चेक करने के लिए एक कमेटी बनेगी, नंबर एक तो बात ये होगी जिसमें दोनों विधायक, थाना में विधायक और शामली विधायक दोनों रहेंगे, कम से कम तीन किसान रहेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, वे उनकी उसमें वो चेक होगी कितना स्टॉक इन पर बचा हुआ है। दूसरी बात ये हुई कि इस मिल के खिलाफ ये अभी पेमेंट नहीं कर रहा, अभी कुछ टाइम इसे दिया गया है, यदि नहीं करेगा उस टाइम के अंदर तो इसके मिल के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तीसरी पॉइंट हमारा ये था, हमारे कुछ किसान इसे गन्ना देना नहीं चाहते, तो जो किसान इसे गन्ना देना नहीं चाहते उनके लिए छूट होगी, वे दूसरे मिल के कांटे ले सकते हैं, ये छूट कर दी गई। चौथी पॉइंट यह था जो पेमेंट का शेड्यूल उनका चल रहा है उसमें कुछ चेंज करके 15 तारीख से पहले पहले 15 करोड़ रुपए शामली के शामली मिल किसानों के खाते में डाले, ये चारों पॉइंट बात हुई। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी विधायक जी? अभी हम देख रहे हैं, यदि अपनी बातों में सफल होते हैं और पेमेंट का ये शेड्यूल ठीक बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के उसमें जाएंगे और वो जैसे कहेंगे मैसे।